सो नाउ माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये सम्स कैसे सॉल्व होगा। देखो एमसीक्यू है, लेकिन क्या है, सम्स है। तो एमसीक्यू में खतरनाक ये सवाल नहीं है, ये बवाल है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ए एंड बी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो था 3:2। सी इज एडमिटेड, ओ माई गॉड, कौन आया बताइए? सी। उसका हिस्सा कितना है? 1/5। विच ही अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, जो वो लेता है किससे लेता है? ए से और बी से। उसको 1/5 मिला, किसे किसे लेता है? ए से बी और बी से। आधा ए से ले रहा, आधा बी से ले रहा। नया रेशियो कितना होगा बताइए? चार ऑप्शन देख लीजिए भाई, आप कमेंट करके बताइए, तब तक हम सॉल्व करके दिखाते हैं। चार ऑप्शन है, ये सब कमेंट आप नहीं कर पाओगे जब तक सॉल्व नहीं करोगे। कैसे सॉल्व होगा देखिए, इसमें भी कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा। इधर आओ, बंदा का नाम बताइए, ए था और बी था, कितना रेशियो था उनका बताइए? 3:2। अभी आया कौन? बोली बोली सी। सी का हिस्सा, सी को कितना हिस्सा मिला? 1/5। उसका हाफ विच ही अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए और बी। सी का मतलब, इसका मतलब सी को 1/10 कौन दिया है? ए। और 1/10 कौन दिया है? बी। हाँ कि नहीं? अब देखो कैसे निकालेंगे, नया रेशियो निकालना है ए बी और सी। ए का रेशियो कितना था? 3/5। बी का कितना था? 2/5। और सी को मिला कितना है? 1/5। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? ये अपना हिस्सा में से 1/10 दे दिया, ये भी अपना हिस्सा में से 1/10 दे दिए। तो इसको सॉल्व करोगे, बचपन का मैथ्स भूलना जाना रे। 10 कितना होगा? 6। 1 होगा, 1 होगा, ठीक बोल रहे, 1 होगा। 5/10 ये कितना होगा? 10 कितना? 4 3/10 ये कितना है? 1/5 है। ये तो रेशियो बना ही नहीं, रेशियो बनने के लिए नीचे वाला सेम होना चाहिए। कौन वाला? नीचे वाला, नीचे वाला सेम होगा, उसके लिए रेशनलाइज कर दीजिए। 2/10 आंसर क्या हो गया? 5:3:2 ऑप्शन में है, देख लीजिएगा, है कि नहीं बोलिए। उतारिए,